हेलो बच्चों। सो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। आयनिक इक्विलिब्रियम का एक ऐसा पार्ट है ये जो बहुत ही ज्यादा, मतलब ये मान लीजिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहीं ना कहीं रिलेट करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस से। तो समझते हैं कि क्या होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर कंपाउंड का, और किस तरीके से इसे समझा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में, क्योंकि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक कॉन्स्टेंट टर्म है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक कांस्टेंट है, ये एक न्यूमेरिकली हम लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, अगर हमें डेटा प्रोवाइडेड हो, अदरवाइज प्रैक्टिकली ऑब्टेन किया जाता है। तो हमें इसको सीखने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, सॉल्युबिलिटी समझना होगा, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी क्या होता है लॉजिकली अगर देखा जाए, तो जब भी हम किसी पर्टिकुलर सोल्यूट को हम जब भी किसी पर्टिकुलर सोल्यूट को किसी दिए हुए सॉल्वेंट में, ठीक है, किसी दिए हुए गिवन सॉल्वेंट, ठीक है, गिवन सॉल्वेंट में ऐड करते हैं। अब वो सॉल्वेंट किसी एक प्रॉपर टेम्परेचर पे हो सकता है, ठीक है, एट अ गिवन टेम्परेचर हो सकता है, और उसकी अपनी एक कुछ फिक्स्ड क्वांटिटी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है, वो पर्टिकुलर सॉल्यूट मान लीजिए क्या हो गया, सॉल्युबल है, उसके अंदर घुल गया, ठीक है, सॉल्युबल है मींस उसने क्या बनाया, उसने सॉल्यूशन बनाया, क्या बनाया, सॉल्यूशन क्रिएट किया, ठीक है बच्चों। तो ये फैक्ट हमने सीखा हुआ है, तो वो सॉल्यूट इस सिस्टम के अंदर कंप्लीटली घुल चुका है, सॉल्युबल हो चुका है, ठीक, घुल चुका है। अब एक टाइम ऐसा आता है बच्चों कि मान लीजिए कि आपका जो सॉल्यूशन है वो मतलब ऐसा हो चुका है कि अब और सॉल्यूट इसके अंदर डिजोल्व नहीं हो सकता। तो एट दैट सिचुएशन हम ये कह सकते हैं कि जब आप सॉल्यूट उसके अंदर ऐड कर रहे हो, यानी कि सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हो, तो आपका सिस्टम सेचुरेट होने का मतलब हुआ कि उस सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट उसके अंदर जा चुका है, अब उस दी हुई कंडीशन पे और डिसोल्यूशन नहीं हो सकता। यानी कि सॉल्यूट अगर इसके अंदर सॉल्यूट मैक्सिमम क्वांटिटी में प्रेजेंट हो चुका है, तो इसे मैं क्या कहूंगा कि इसने सेचुरेशन लेवल अचीव कर लिया, ठीक है, सॉल्यूशन ने सेचुरेशन लेवल अचीव कर लिया है, और इन शॉर्ट में कह सकता हूं इसे कि हमारा ये सॉल्यूशन कैसा है, सेचुरेटेड है, कैसा है, सैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड का मतलब हुआ कि सॉल्यूट का मैक्सिमम जितनी क्वांटिटी उसके अंदर आ सकती थी वो आ चुकी है, ठीक है, एट अ गिवन टेम्परेचर मैक्सिमम क्वांटिटी उसके अंदर आ चुकी है। तो जब उसके अंदर मैक्सिमम क्वांटिटी सॉल्यूट की आ चुकी है, तो जितनी भी क्वांटिटी उसके अंदर अब प्रेजेंट है, या मैं यूं कहूं कि जितने भी सॉल्यूट के मोल्स पर लीटर प्रेजेंट है, अगर हम मोलैरिटी की टर्म्स में सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करें, या मैं कहूं कि पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में जितना भी सॉल्यूट प्रेजेंट है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट या क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 ग्राम, वो इसका जो मैक्सिमम अमाउंट है वो इस सॉल्यूट की, इस सॉल्यूशन के अंदर क्या है, सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो कहने का मतलब हुआ, तो हम ये लिख सकते हैं इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर, गिवन टेम्परेचर, है ना बच्चों। तो अब हम एक चीज समझते हैं यहां पे, नॉर्मली सब्सटेंसेस जो होते हैं जिनको हमें डिसॉल्व करना है, ठीक है, सब्सटेंसेस, यानी कि अगर मैं सॉल्यूट की बात कर रहा हूं, तो नॉर्मली सब्सटेंसेस 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं जनरल में, कुछ ऐसे जो कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं, कुछ ऐसे जो आपके पार्शियली सॉल्युबल होते हैं, पार्शियली सॉल्युबल, ठीक है, पार्शियली सॉल्युबल, जिन्हें नॉर्मली ऐसे भी लिखा जाता है स्पैरिंगली, ठीक है, स्पैरिंगली सॉल्युबल, जो बहुत कम अमाउंट में क्या होते हैं, डिजॉल्व होते हैं, बहुत कम अमाउंट में डिजॉल्व होते हैं, और कुछ लास्ट केस में हम डालते हैं जिसे हम इनसॉल्युबल कहते हैं, जो बिल्कुल भी डिजॉल्व नहीं होते। तो यहाँ पे जो आज की क्लास का टाइटल होने वाला है वो ये सेकेंड कैटेगरी के लिए है जिसमें स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स की बात होगी,
ठीक है, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट जो टॉपिक है बच्चों वो इस वाले टाइटल से डील करता है, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जो बहुत ही कम क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं। तो बहुत ही कम डिसॉल्व होने का मतलब हुआ कि मान लीजिए कि मैं कोई ऐसा सब्सटेंस लेता हूं, जैसे कोई स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट लिया, देखिए मैंने कोई स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट जो है ना लिया, कोई भी एक सर्टेन एग्जांपल, जैसे मान लीजिए इससे AgCl लेता हूँ, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड को जैसे हम एक्वस मीडियम में ऐड करेंगे, यानी कि पानी में डालेंगे, तो इसका कुछ हिस्सा डिसॉल्व होगा, यानी कि सिल्वर प्लस आयन और आपका सिल्वर माइनस आयन में डिसॉल्व हुआ, मतलब स्प्लिट हुआ, लेकिन बहुत ही जल्दी बैकवर्ड रिएक्शन चालू हो जाएगी और ये सिस्टम जो आपका है, यानी कि इनसॉल्युबल सॉल्ट सॉल्युबल सॉल्ट के इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। मतलब ऐसे केसेस में जो सॉल्युबिलिटी है वो बहुत कम होगी, ठीक है, जो सॉलिड्स जो आपका AgCl है वो उसका कुछ ही अमाउंट सिर्फ डिसॉल्व हुआ और कहीं ना कहीं ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया, यानी कि इनसॉल्युबल सॉल्ट और सॉल्युबल सॉल्ट के बीच में क्या हुआ, इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया। तो ऐसे केस में इसका कुछ अमाउंट सिर्फ डिसॉल्व हुआ, इसीलिए हम लोग ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे सॉल्ट को हम क्या कह देते हैं, नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि ये कैसे हैं, पार्शियली सॉल्युबल या क्या है, स्पेरिंगली सॉल्युबल, ठीक है। जनरली इनकी कम सॉल्युबिलिटी की कैरेक्टर की वजह से ये जो आज की क्लास का जो टाइटल है, जिसे हमने बोला सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये इन्हीं पर्टिकुलर पार्ट्स जिनमें इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली जो कम्प्लीटली सॉल्युबल है बच्चों, जो कम्प्लीटली सॉल्युबल है वो तो क्या हुआ भाई, वो तो क्या हुआ कि वो तो कम्प्लीटली पूरे को पूरे घुल जाएंगे, तब सैचुरेशन अकर होगा। यहाँ पे क्या हुआ, लेकिन इनके केस में थोड़ा सा ही क्या हुआ, डिसॉल्व हुआ और सैचुरेशन पॉइंट अचीव हो गया, मतलब ये पार्ट अभी भी सैचुरेट हो गया। दिए हुए टेम्परेचर पे इसका जितना मैक्सिमम डिसॉल्व होना था वो हमारे लिए बेशक कम है, लेकिन इसका जितना मैक्सिमम अमाउंट इसके अंदर जा चुका है, सॉल्यूशन जो बना चुका है, जो एक्वस फेज में आ चुका है, वो इसका मैक्सिमम क्वांटिटी है। अब इन दोनों की मैक्सिमम क्वांटिटी को यूज करते हुए हम निकालने वाले हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है बच्चों। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे और अब मैं आपको सिखाता हूँ कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलिए, तो ये बात आपने नोट कर ली होगी, मैं ये हटा देता हूँ, ठीक है बच्चों। सो ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, यही रिएक्शन वापस लिखते हैं। सपोज AgCl दिया हुआ था सॉलिड फॉर्म में और उसको हमने एक्वस में ऐड किया और इसका कुछ हिस्सा डिसॉल्व हो गया भाई सिल्वर प्लस और Cl माइनस फॉर्म में, ये रहा आपका, ठीक है। अब मान के चलते हैं कि एट द सैचुरेशन लेवल जितना भी डिसॉल्व होना था कंप्लीटली हो गया, ठीक है। सो एट सैचुरेशन लेवल, इसको सैचुरेशन पॉइंट ही कहा जाता है, सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है, जब और ज्यादा सॉल्युबल ना हो। तो ऐसे केस में मान के चलते हैं कि इसकी सॉल्युबिलिटी ऐसे है, मतलब कहीं ना कहीं जो आपका AgCl है इसका कुछ अमाउंट क्या हुआ, सॉल्युबल हुआ होगा। मान लो मैंने कहा कि इसके 100 पार्टिकल डाले थे, 100 पार्टिकल में से 5 पार्टिकल ही डिसॉल्व हुए, तो इसके 100 में से 5 AgCl जो है वो तो आपके क्या हुए, डिसॉल्व हो चुके होंगे ना, मतलब स्प्लिट हो चुके होंगे आयंस में। तो 5 पार्टिकल्स में 5 सिल्वर आयन बनेंगे और 5, तो इसके में से इतने 5 पार्टिकल ही डिसॉल्व हुए, तो 5 पार्टिकल जो डिसॉल्व हुए उनके हमने सॉल्युबिलिटी को एस मान लिया, ठीक है। तो इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो जो इसके अंदर सॉल्युबल हुआ, तो पर आयन पर लीटर कह सकता हूँ, इतने मोल पर लीटर डिसॉल्व हुआ है, ठीक है। और इसकी भी सेम रहेगी क्योंकि एक मोल के अंदर दोनों 1-1 मोल प्रेजेंट है, सो ये भी आपका पर मोल। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टर्म ही होती है, जरा देखो ध्यान से एक बार। मान लीजिए कि मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल रहा हूँ, सपोज मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल रहा हूँ, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर एंड कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड, ऐसे निकालते हैं ना, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स की मल्टीप्लाई डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड स्पीशीज, ठीक। आपको याद है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसको केसी या केपी करके लिखते थे, तो कंसंट्रेशन लिया तो केसी, बट दिस टाइम एक चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप
आप यहाँ पे इनकी सॉलिबिलिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है, आयंस यानी वो सॉल्ट कितना सॉलिबल हुआ, तो उनकी सॉलिबिलिटी के लिए हमने इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्लेस किया, मतलब रिप्रेजेंटेशन को रिप्लेस किया है केएसपी से, ठीक है, केएसपी से। कहने का मतलब हुआ ये कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है सॉलिड की, सॉलिड प्योर सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड्स, ठीक है, कांस्टेंट होती है। तो ये जो केएसपी आएगा यानी कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक, जो सेचुरेशन लेवल पे हमने क्या किया, मेजर किया, जब हमारे उस सिस्टम ने इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया है, ठीक है, तो एट दैट टाइम जो भी कांस्टेंट होगा ये इन सबका जो मल्टीपल आएगा, प्रोडक्ट्स का जो मल्टीपल आएगा, सॉरी इन प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन का जो मल्टीपल है वो कहीं ना कहीं क्या कहलाएगा, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। तो के यहाँ पे कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ही रिप्रेजेंट करता था, एस और पी सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। सो उसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फॉर दिस टॉपिक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपने समझा इस चीज को, अब यहाँ से आपको आगे सिखाते हैं कि क्या कुछ इसके केसेस हैं, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या कुछ है। तो देखो इस वाले सॉल्ट के एग्जांपल्स के लिए कहूंगा मैं कि सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन कितनी है एस मोल पर लीटर, यानी कि जो इसमें से 5 मोल डिसॉल्व हुए थे तो 5 मोल पर लीटर हुए होंगे, तो ठीक है, तो सिल्वर आयन की जो कंसंट्रेशन वो कितनी है, 5 मोल्स पर लीटर मैक्सिमम कंसंट्रेशन, और यहाँ पे मैक्सिमम कंसंट्रेशन क्लोराइड की कितनी, वो भी एस। तो इस हिसाब से इसमें एस का पावर 1, ठीक है, ये आपको याद है ना, क्योंकि इनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितने हैं, 1 1, तो इन सब की पावर कितनी आएगी, 1 1 रहती है, सो 1, और दूसरा क्या है आपका, ये भी 1। तो इस तरीके से बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ सॉलिबिलिटी, ठीक है, आप केएसपी निकाल सकते हैं, ठीक है, और अगर आपको मान लो केएसपी प्रोवाइड किया जाए और क्वेश्चन में आपसे सॉलिबिलिटी, मैक्सिमम सॉलिबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्ट पूछा जाए तो आप सीधे ही सॉलिबिलिटी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसके कई सारे एग्जांपल हैं, कहीं ना कहीं कोफिशिएंट वाले लेते हैं। तो ये जो सॉल्ट था, ये जो सॉल्ट था ये ए बी टाइप था, कैसा था बच्चों, ए बी टाइप था, है ना। तो ऐसे इसके अलग अलग एग्जाम्पल लेते हैं और आपको सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन लिखना सिखाते हैं। चलिए बच्चों तो स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हम लोग सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट एक्सप्रेशन लिखेंगे अलग अलग टाइप के सॉल्ट के लिए। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो टाइप ऑफ सॉल्ट या सब्सटेंस जो भी दे रखा है, तो अभी हमने ए बी के लिए देखा जिसमें कैटायन एनायन की रेशियो क्या रहेगी, 1:1 रहेगी, ठीक है, 1:1 के लिए ये वाला पार्ट हमने देखा अभी। तो उसमें जो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन जो था केएसपी का जो एक्सप्रेशन था विद सॉलिबिलिटी ऑफ आयन, विद सॉलिबिलिटी ऑफ आयन, तो हमने क्या देखा केएसपी इज इक्वल एस स्क्वायर, जहाँ पे एस जो था वो मोल्स पर लीटर सॉलिबिलिटी थी वो पर्टिकुलर सब्सटेंस की, ठीक है, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की जो उसके अंदर डिसॉल्व हुआ था, ठीक है, पर आयन को लेकर के। तो सेम कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अगर हम आगे चलें तो देखो जरा नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं ए बी टू का, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ए टू बी हो, कहीं ना कहीं 2 और 1 का मोल, मतलब ये आपका 1:2 का रेशो है आयंस का और ये 2:1 का रेशो है। तो एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो लॉजिकली आप देखिए, जैसे सपोज मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ, सो ए बी टू जो है आपका, नाउ इट इज इन इक्विलिब्रियम पार्शियली सॉल्युबल सब्सटेंस है, इसको कुछ इस तरीके से लिख करके हम दिखा सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि इसका जो सॉल्ट जो पार्ट डिसॉल्व हुआ है वो एस मोल्स पर लीटर उसकी मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी है, तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग इसके आयन की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो 1 होगी, क्योंकि वो 1 रिलीज करेगा, 1 इन द सेंस सॉरी एस रहेगी अगर उसकी सॉल्युबिलिटी एस मानी है हमने, ठीक है, और इसकी सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम कितनी होगी भाई, 2s। तो एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाएगा जरा देखो, तो एक्सप्रेशन लिखने का जो तरीका है दैट इज केएसपी, ठीक है बच्चों, केएसपी, अब इन दोनों की कंसंट्रेशन का मल्टीपल रहेगा, और कुछ ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इसका स्टोइकोमेट्रिक पावर और ये आपके स्टोइकोमेट्रिक पावर, अब इनका एक्सप्रेशन में इनकी वैल्यू डालो, तो इसकी मैक्सिमम सॉलिबिलिटी कितनी है ए टू प्लस आयन की, ये रही एस की पावर 1, और यहाँ पे जो बी माइनस की मैक्सिमम जो कंसम मोल्स हैं पर लीटर वो रहेंगे 2s, तो उसकी पावर कितनी लगेगी, 2। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये आपका के एस पी जो है वो कितने के बराबर आएगा, 4, और ये हो जाएगा एस की पावर क्यू, तो
तो अगर आप यहाँ पे देखें ठीक, सो केएसपी और सॉलिबिलिटी के बीच का रिलेशन, या नॉर्मली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एस क्यूब इज इक्वल टू के एस पी डिवाइड बाई 4, जहां पे एस क्या होगा बच्चों, एस क्या होगा, यस क्यूब रूट हो जाएगा आपका ये के एस पी बाई 4। अच्छे से इस बात को नोट करें क्योंकि लॉजिकली क्वेश्चन कितने आसान होते हैं, आपको वो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे तो आपसे सॉलिबिलिटी पूछ लेंगे ठीक है, और यहाँ सॉलिबिलिटी मोल्स पर लीटर यानी मोलारिटी की टर्म में है ठीक, और अगर बाई चांस आपको वो जो है सॉलिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं तो आपसे क्या पूछेंगे, यस सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ठीक है। एक्सप्रेशन लिखने आया आपको ये वाला केस होगा तो भी सेम एक्सप्रेशन आपका बनेगा ठीक है, टू टाइम्स आपका ये हो जाएगा 2s और ये हो जाएगा s, तो सेम तरीके से आप कैलकुलेट करें। ओके आपको इस टाइप के सॉल्व का समझ आया होगा। भाई एग्जांपल्स की अगर आप बात करें तो इसमें देखिए AGCL का बेस्ट एग्जांपल दिया, AGBR इसमें एग्जांपल हो सकते हैं जो आपको वो प्रोवाइड करेंगे ठीक है। इसके अलावा BASO4 हो गया 1:1 का कॉम्बिनेशन, क्लियर बच्चों। यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो लॉजिकली इसमें लेड क्लोराइड बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा आपका, PBr2 भी हो सकता है, PbCl2 है। इसके अलावा इस टाइप के सॉल्ट का अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो लॉजिकली ये आपका, तो ये आप एजी ऑक्साइड टाइप का एग्जाम्पल ले सकते हैं। साथ ही साथ देखा जाए अगर हम अगले पार्ट की तरफ चले जैसे Ab3 ठीक है, या फिर A3B, मतलब अगर नॉर्मली हम लोग एक्सप्रेशन ड्राइव करें ठीक है, तो देखते हैं केएसपी और सॉलिबिलिटी का, सो लॉजिकली देखते हैं इसके लिए ठीक है। सो मान लीजिए कि AB3 टाइप का है तो जरा देखें एक्सप्रेशन क्या होगा, तो कोई भी सॉल्ट है AB3 टाइप का तो कुछ इस तरीके से कहीं ना कहीं इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, यहाँ पे 3 और ये आ जाएगा ठीक है। सो मान लेते हैं इसका एस मोल पर लीटर डिजोल्व हुआ है तो ये 3s है ना बच्चों ठीक। सो केएसपी ड्राइव करें इसके लिए, केएसपी क्या रहने वाला, केएसपी इज इक्वल ये रहेगा एल्यूमिनियम आयन की कंसंट्रेशन ठीक, और यहाँ पे रहेगी आपकी बी माइनस आयन की कंसंट्रेशन रेज टू दी पावर 3 और ये रेज टू दी पावर 1 ठीक है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब इनकी वैल्यू प्लेस करो यहाँ पे, एल्यूमिनियम की टोटल जो कंसंट्रेशन है कितने मोल्स पर लीटर है, एस मोल्स पर लीटर ठीक है, और यहाँ पे कितनी कंसंट्रेशन है इसकी, तो 3s मोल्स पर लीटर है और आपका ये पावर ठीक बच्चों। तो जब आप यहाँ पे चेक करेंगे तो ये आपका आएगा s की पावर 1, ये s की पावर 3 और ये आपका 3 की पावर 3, तो s की पावर टोटल 4 हो जाएगी यहाँ पे ठीक, तो 3 3 9 और 9 3 27 तो इस हिसाब से क्या होगा बच्चों, 27s4 ये देगा, और आप देख सकते हैं के एस पी और एस के बीच रिलेशन है ना। तो अगर इसको आप इस तरीके से लिखते हैं तो ये ऐसा भी हो सकता है आपका एस इज इक्वल ठीक है बच्चों, एस इज इक्वल के एस पी डिवाइड बाय 27 की पावर 1/4, चेक करो एक बार ठीक है बच्चों। तो आप एक बार चेक कर लीजिए सभी, किसी भी टाइप का आपको सब्सटेंस दिया हो आप सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन और सॉलिबिलिटी के बीच रिलेशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल बहुत ही स्ट्रेट होता है, बहुत सिंपल है और सीधा होता है, एक जनरल फॉर्मूले के लिए करते हैं ठीक है। ऐसे कई सारे फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं, अब हो सकता है A2B3 हो सकता है A2B5 हो, अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, तो हम ये चीज को एक ही डायरेक्ट फॉर्मूले से समझते हैं ठीक है, इस चीज को एक ही डायरेक्ट फॉर्मूले से समझते हैं और एक जनरल एक्सप्रेशन ड्राइव कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास सॉल्ट है AXVY, जहां पे x और y की वैल्यू अलग अलग हो सकती है ठीक है, ये जितने भी एग्जांपल अभी आपने देखे हैं इसी बेसिस पे सारे के सारे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो जनरल बेसिस पे देखते हैं कि ये हमारे पास एक पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो जब इसको हम लोग डिसॉल्व करेंगे तो इसका एक्स आयन जो है ना, मतलब जो भी इसका अमाउंट मैक्सिमम डिसॉल्व होगा तो किस तरीके से स्प्लिट होगा, तो ये आपका स्प्लिट होगा कुछ इस तरीके से, देखिए एक्स टाइम्स ए रहेगा है ना, और वाई प्लस चार्ज आएगा प्लस। अब इधर वाले पे आ जाइए, चलो बी के लिए देखिए, सो बी के लिए अगर हम देखें तो इसके ऊपर एक्स माइनस चार्ज रहेगा और ये वाई टाइम्स ठीक है बच्चों, सबने ये डिसोसिएशन ठीक तरीके से लिख लिया। अब मान के चल लेते हैं कि जो सॉलिबिलिटी है ठीक है, जो सॉलिबिलिटी है इस पर्टिकुलर
सॉल्ट की, वो है एस, एस मोल पर लीटर, जो हम अभी तक लेट करके चल रहे हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम अमाउंट जो इसका, जो मैक्सिमम मोल्स इसके अंदर डिसॉल्व हो रहे हैं पानी के अंदर, वो एस मोल्स पर लीटर हो रहे हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो इसकी कंसेंट्रेशन आएगी वो एक्स टाइम्स ऑफ एस आएगी, ठीक है, ध्यान से देखो बच्चों, इतनी आएगी एक्स टाइम्स ऑफ एस मोल पर लीटर, और इसकी जो कंसेंट्रेशन उस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होगी वो वाई टाइम्स ऑफ एस होगी, ठीक है बच्चों, है ना सिंपल। अब आते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन, देखो के एस पी इज इक्वल, देखो क्या होगा, कंसेंट्रेशन ऑफ ए वाई प्लस की, ठीक है, कंसेंट्रेशन वाई प्लस जो है आपका ए वाई प्लस, इसका रेज टू द पावर क्या आएगा, एक्स आएगा, ठीक है, इसको एक्स लिखते हैं इस तरीके से, एक्स आएगा, है ना, ये भी एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं, एक्स है, ये भी एक्स, ठीक है। सो अब यहां पे देखा जाए, ये बी एक्स माइनस के लिए देखो तो वाई टाइम्स आएगा बच्चों, है ना सिंपल। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका टोटल जो मैक्सिमम कंसेंट्रेशन है वो कितनी है, एक्स, एस की पावर एक्स रहेगी, ठीक है, और इसकी जो मैक्सिमम कंसेंट्रेशन है दैट इज वाई, एस की पावर वाई, ठीक है बच्चे। तो ये वाली बात यहां तक समझ आई, अब इसको आगे सॉल्व कर देते हैं, जगह साफ कर देते हैं, ठीक। तो के एस पी इज इक्वल एक्स की पावर एक्स, ठीक है, और एस की पावर एक्स, और यहाँ पे वाई की पावर वही वाई और एस की पावर वाई। तो यहाँ पे आप सॉल्व करें तो ये मैं लिख सकता हूँ कुछ इस तरीके से, एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई, और यहाँ पे मैं लिख दूँ एस एक्स प्लस वाई, ये ठीक लिखा है, तो बस हो गया काम खत्म, डन, ठीक है बच्चों। तो इस हिसाब से ये तो हुआ आपका के एस पी का एक्सप्रेशन। कोई भी सॉल्ट दिया हो, कोई भी पर्टिकुलर सॉल्ट दिया हो, जैसे हम मान लिया Al2O3 दे रखा है, तो यहाँ पे x आपका 2 है, y आपका 3 है, है ना। जैसे मान लो दूसरा दे रखा है कैल्शियम फॉस्फेट दे रखा है, सपोज ये आपको प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है, तो इसमें आपका x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है, तो बस सीधे ही वैल्यूज प्लेस करो और रिलेशन निकालो, कौन सा एग्जाम में हम ड्राइव करने बैठेंगे, ठीक है। तो जैसे टाइम नहीं लगेगा, आप सीधे इन चीजों को समझ सकते हैं, रटे नहीं, ठीक है बच्चों। साथ ही साथ अगर हम एस का के एस पी से रिलेट अगर करें तो किस तरीके से करेंगे, जरा चेक करके एक बार देखें। ये देखो के एस पी इज डिवाइडेड बाई एक्स की पावर एक्स और वाई की पावर वाई, ठीक है। सो फाइनली इस हिसाब से सॉल्युबिलिटी का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, के एस पी डिवाइड बाई एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई, और ये रहेगा आपका होल 1/x + y। क्या आप देख पा रहे हैं सब, वेरी गुड, बहुत अच्छे तरीके से आपने, ये देखिए ये छोटे छोटे से सवाल इस तरीके से होंगे, न्यूमेरिकल जो आप सीधे ही फॉर्मूलों के बेसिस पे डिराइव कर सकते हैं, मतलब फॉर्मूलों के बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी से इस बात को नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ बच्चों, तुम्हारे पास देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं कुछ, सिर्फ आपको लॉजिक सिखाने के लिए। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कॉपर सल्फाइड, ये वाला हमारा स्पाइरली सॉल्युबल सॉल्ट है, जो कॉपर सल्फाइड है, इसके लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इन्होंने दिया 6×10⁻⁻⁶ यूनिट्स, ठीक है। अब लिखा हुआ कि मैक्सिमम मोलैरिटी निकालिए, मैक्सिमम मोलैरिटी का मतलब कि भाई एक लीटर में कितने मैक्सिमम मोल्स प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के, ठीक है, इन एक्वस सॉल्यूशन। तो इसका मतलब मैक्सिमम मोलैरिटी मीन्स मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या कुछ रहेगा इसका आंसर और कैसे निकालें। तो कॉपर सल्फाइड को जब हम एक्वस मीडियम में ऐड करेंगे तो इसका जो भी एक मैक्सिमम अमाउंट है डिसॉल्व होगा, तो कॉपर आयंस इस तरीके से प्रोड्यूस करेगा और ये सल्फाइड। अब आप समझ चुके होंगे ये 1:1 का सॉल्ट है, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी हमने एस लेट कर ली, ठीक है। सो लेट एस मोल पर लीटर बी इट्स सॉल्युबिलिटी, ठीक है, मान के चलिए इतने। तो ये एस और ये बी कितना रहेगा, एस रहेगा। तो आप सबको पता है केस पी, अब डायरेक्टली आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, जो पीछे आपने सीखा है ना, डायरेक्टली आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो ये आपका रहेगा एस की पावर वन और एस की पावर वन के एस पी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा के एस पी जो है वो एस का स्क्वायर, मतलब सीधे ही हम निकाल सकते हैं, के एस पी में प्रोवाइड कर रखा है और एस की वैल्यू आप सीधे ही कैलकुलेट कर लेंगे। सो इट इज अंडर रूट के एस पी। सो आपका सिंपल कैलकुलेशन करनी है आपको, पर आपका आंसर आ जाएगा 6×10⁻⁶
रेज टू द पावर माइनस 16. सो यहाँ पे अंडर रूट 2 आप रूट 6 निकालेंगे तो देखिए चेक कीजिए रूट 6 अराउंड आपका 2.4 होता है ठीक, और ये आपका 16 का हाफ यानी कि ये देखिए ये मोल्स पर लीटर आप अपने शो करेंगे ठीक है। तो कहीं ना कहीं फॉर्मूला बेस्ड होता है, बस सवाल आपको पता होना चाहिए क्या पूछ रहा है, और दूसरा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का लॉजिक आपको पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे ठीक है। पहला सवाल हुआ, इसी तरीके से दूसरा सवाल देखो ट्राई करते हैं। लिखा हुआ है कि एक हमारे पास पायरेमली सॉल्युबल सॉल्ट यानी कि PbCl2 दे रखा है और रूम टेम्परेचर पे इसकी सॉल्युबिलिटी इतनी बताई, देखिए ये 0.279 ग्राम पर लीटर बताई है, और इस बार हमें Ksp निकालना है, मतलब ऊपर वाले सवाल का जस्ट रिवर्स्ड है, मतलब S दे रखा है और Ksp निकालना है। तो जरा देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर से लॉजिक वही देखते हैं। आपका जो सॉल्ट है PbCl2, देखिए ध्यान से अगर आप इसे एक्वस मीडियम में डालेंगे तो कैसे डिजॉल्व होगा ये ठीक है, इसका कुछ हिस्सा डिजॉल्व हुआ और ये कैसे, ये लेड 2+ एक्वस और आपका क्लोराइन ठीक है 2 मोल्स ऐसे प्रोड्यूस करेगा। देखने वाली बात ये है कि अगर आप सॉल्युबिलिटी की बात करें तो वही मान लेते हैं, वैसे सॉल्युबिलिटी दिया है फिर भी लेट्स से एस बी द सॉल्युबिलिटी ठीक है, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं फिर वैल्यू डाल देंगे वापस। तो फॉर्मूला जैसे कि आपको पता है ये आपका एस होगा एस मोल पर लीटर, ये आपका 2S mole per liter, फिर से याद करें क्या लिखा था Ksp इज इक्वल, तो जो भी यहाँ पे कंसंट्रेशन दे रखी है इन आयंस की ठीक है, तो पहले तो एक्सप्रेशन लिख लेते हैं और इस तरीके से आपने एस की पावर 1 और 2S की पावर 2, तो इस हिसाब से ये जो फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले आपने लिखा था वही हमारे काम आ जाएगा, ये रहा। तो ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना होगा। अब सवाल उठता है ये कि सर ये जो आपका जो सॉल्युबिलिटी दी है क्या हम डायरेक्टली इसको S की जगह प्लेस करें, तो एक बात ध्यान रखिएगा यहाँ पे S जो है वो मोल पर लीटर है ठीक है, मैक्सिमम मोलारिटी है ये ठीक है, सो मोल्स पर लीटर, तो पहले आप ये इसको मोल्स पर लीटर में कन्वर्ट करो। तो यहाँ पे अगर इस चीज को एक्सपेंड करें तो ये 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन जो है बच्चे, तो इसमें भी 0.279 ग्राम ऑफ लेड क्लोराइड क्या है उसमें प्रेजेंट है, तो आप इस ग्राम को मोल्स में कन्वर्ट कर लें ताकि मोल्स पर लीटर आ जाए। तो भाई इसका मोलर मास कुछ जो होता है लेड क्लोराइड का ठीक, सो लेड 208 और क्लोराइड 35.5 × 2 मतलब 71 ठीक है, तो 208 और 71 ये आपका डायरेक्टली कितना हुआ 279 है ना, 279 ये रहेगा 97 चेक कर लेते हैं, हाँ 279। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम इसको 0.279 डिवाइड बाय 279 चेक करें अगर, तो ये आपका रहेगा 1000 और ये 10^-3 मोल पर लीटर ठीक है। तो इस हिसाब से देखें तो ये हमारी सॉल्युबिलिटी कितनी, एस की वैल्यू ये वाले रखेंगे ना कि आप ये वाले रखें, तो चलिए प्लेस कर दीजिए और आपका आंसर आ गया। तो इस हिसाब से ये रहेगा आपका 4 × 10^-3 की पावर 3, तो ये रहेगा आपका आंसर 4 × 10^-9 ये रहेगा आपका केस ठीक है। तो इस तरीके से आप सीधे ही सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। एक और सवाल ट्राई करते हैं इसी के बेसिस पे जिसमें कुछ अलग फैक्ट होगा। चलिए बच्चों एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपके सामने, ये आपका मतलब PYQs में प्रीवियस ईयर का 2013 का सवाल है। देखिए इस सवाल को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। देखो लिखा हुआ है कि फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी निकालनी है किसकी, इस सिल्वर क्रोमेट सॉल्ट की, और ये सिल्वर क्रोमेट कुछ इसी टाइप की मतलब A2B टाइप का एक सॉल्ट है ठीक है। अब हुआ ये कि इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड कर रखा है, Ksp हमें ऑलरेडी दिया और हमें इसका सॉल्यूशन जो बनाया हुआ है, इसका सॉल्यूशन जो बनाया है वो सिल्वर नाइट्रेट में बनाया हुआ है, मतलब ये चीज थोड़ी ध्यान से यहाँ पे चेक करते हैं क्या मतलब क्या है इस चीज का। तो देखो इस चीज को मैं समझाता हूँ आपका कि हुआ ये कि हमारे पास अगर मान लीजिए कोई कंटेनर है और इसमें पहले से ही सिल्वर नाइट्रेट ऐड है, मतलब 0.1 मोल पर लीटर AgNO3 का बच्चों सॉल्यूशन बनाया हुआ है
ठीक, इसके अंदर हमने ऐड किया है Ag2CrO4। ये एक तरीके से वीक, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, और ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो ऐड किया गया है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वो कंप्लीट आयोनाइज नहीं होगा, वो कंप्लीट सॉल्युबल नहीं होगा, ठीक है। फिर देखते हैं कि भाई ऐसा क्या है, और जबकि यही पैटर्न अगर हमें बताया जाता, यही क्वेश्चन अगर नॉर्मल होता और पानी के अंदर डिजोल्व करना होता, ठीक है, पानी के अंदर अगर Ag2CrO4 को डिजोल्व करते तब क्या कुछ केस होता। तो अभी सवाल तुम्हारा ये वाला है, तो पहले इस सवाल को समझाते हैं और उसके बाद बताते हैं कि अगर नॉर्मल होता तो किस तरीके से करते। तो भाई देखो, सबसे पहले देखा जाए तो चेक करते कि सिल्वर क्रोमेट जब इसके अंदर जाएगा तो भाई ये आयोनाइज होगा, हालांकि कंप्लीट आयोनाइज नहीं होगा, बट इसकी कुछ सर्टेन सॉल्युबिलिटी तो जरूर होगी, ठीक है। तो जैसे ये गया और ये इस तरीके से आयोनाइज होगा, तो मान लीजिए कि इसकी सॉल्युबिलिटी S है, ठीक है, तो इसको जब बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे ये 2S होगा इसके लिए, सिल्वर आयन के लिए, और इसके लिए आपका S सॉल्युबिलिटी होगी। क्लियर बच्चों? अब देखने वाली बात ये है कि जो आपका सिल्वर नाइट्रेट है वो भी बच्चों आयोनाइज होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये कंप्लीटली आयोनाइज होगा, ठीक है, ये कंप्लीटली आयोनाइज होगा, जरा ध्यान से देखें। और जितने इसके मोल्स हैं वो सारे के सारे आयोनाइज होंगे, अगर चार मोल है तो चार ही प्रोड्यूस करेगा ये भी चार, तो अगर इसके मोल्स कितने दे रखे हैं, 0.1 मोल दे रखे हैं, सो 0.1 मोल पर लीटर, तो ये भी 0.1 मोल पर लीटर प्रोड्यूस करेगा और ये भी 0.1 मोल पर लीटर ही प्रोड्यूस होगा। और अब देखने वाली बात ये है कि सर ये भी सिल्वर आयन प्रोड्यूस कर रहा है और ऊपर से भी, तो यहाँ पे लग जाएगा कॉमन आयन इफेक्ट। क्या लगेगा बच्चों? कॉमन आयन इफेक्ट, है ना, सेम आयन्स है, देखो दोनों केसेस में सेम आयन है, तो ये तो फटाफट से क्या करेगा, सिल्वर आयन जनरेट करेगा और बहुत सारे जनरेट करेगा। वो सिल्वर आयन कॉमन होने की वजह से ऊपर वाले इक्विलिब्रियम को पीछे की तरफ शिफ्ट करेंगे। ये वाली बात याद है बच्चों, कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ लिया बहुत अच्छे तरीके से, कॉमन आयन इफेक्ट अगर नहीं पढ़ा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया है, जरूर चेक करना, ठीक है। सो ये रहेगा कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से इसकी कंसंट्रेशन जो है और भी कम, यानी कि सिल्वर आयन जो यहाँ से प्रोड्यूस हुए इनकी बहुत कम कंसंट्रेशन एज कम्पेयर टू जो लोअर साइड से यहाँ से सिल्वर आयन प्रोड्यूस हुई। तो अब इसके लिए अगर मैं KSP का एक्सप्रेशन लिखूँ तो क्या लिखेंगे हम लोग, जल्दी चेक करो, सिल्वर टू सिल्वर बच्चों यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है, सिल्वर मोनोपॉजिटिव होता है, सिल्वर प्लस, ठीक है, और इसकी रेज टू दी पावर 2 और यहाँ पे ये आपका CrO4 2 माइनस की पावर 1, ठीक है, मैं इस वाले इसके लिए ये आपका KSP का एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। अब वैल्यू डाल दो, अब सिल्वर की कंसंट्रेशन क्या 2s डालेंगे या 0.1, तो ध्यान रखिएगा ऐसे केस में जब आपका दो अलग अलग सोर्स हैं किसी सेम आयन के लिए तो आप टोटल कंसंट्रेशन लेंगे, कितनी लेंगे टोटल, सो टोटल में ऐसे करके आपको लिखना होगा, जबकि क्रोमेट आयन के लिए इसके लिए आपका S रखा जाएगा, ठीक, ध्यान से देखिए। अब आपको यहाँ पे बहुत अच्छा फैक्ट यूज करना है, भाई ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है सिल्वर आयन की, जबकि यहाँ पे जो प्रोड्यूस हो रही होगी और भी कम हो गई है, सो इसका मतलब हुआ कि ये जो 2s है ना, दिस कैन बी नेग्लेक्टेड, भाई इसको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि जो सामने वाला जो कंसंट्रेशन वो कहीं ज्यादा होगा, इस बात का ध्यान रखिए। ऐसे अप्रोक्सीमेशन आप इजिली यूज करके अपना आंसर दे सकते हैं, ठीक है। सो ये रहेगा 0.1 का स्क्वायर और ये S, ठीक है, सिंपल S। केएसपी की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 1.1 × 10⁻²⁻¹. अब आप सीधे इसको सॉल्व कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा, तो S इज इक्वल टू 1.1 × 10⁻²⁻¹ डिवाइड बाय, ये आपका होगा 10⁻²⁻¹ और ऊपर जाके हो जाएगा ये आपका इतना, ठीक, ये रहेगा आपका आंसर 1.1 × 10⁻¹¹. तो आप चेक कर लीजिएगा यहाँ पे सी ऑप्शन इसके बराबर आ रहा है। तो इस टाइप का सवाल आप इजीली सॉल्व कर लेंगे जिसमें कॉमन आयन इफेक्ट का फैक्टर मतलब कहीं ना कहीं पार्ट लग रहा है, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, सिल्वर क्रोमेट को अगर यही सवाल मतलब नॉर्मल, ये थोड़ा सा हटके था, थोड़ा अच्छा सवाल था, अगर ये नॉर्मल होता तो यहाँ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, फिर तो आप सीधे ही KSP लगाते और सिल्वर क्रोमेट के लिए सिल्वर की कंसंट्रेशन की पावर 2 और क्रोमेट में यहाँ पे आपका इसकी पावर 1, ठीक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट 2s की पावर 2 और क्रोमेट की पावर 1 और ये आपका KSP जो भी दे रखा था यूज करके ये आपका 2^4 और SQ, ये वाला तरीका आप यूज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप सीधे ही S निकाल लेंगे
अगर ऐसा सवाल होता तो, समझ आया बच्चों? ये तो दोनों में ये फर्क होगा, होप कि आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। आइए एक लास्ट फैक्ट सिखाते आयोनिक प्रोडक्ट का, तो आयोनिक प्रोडक्ट सीखते हैं और समझते हैं कि उसमें क्या कुछ है जो हमें सीखने को मिलेगा। चलिए बच्चों तो स्टार्ट करते हैं, बहुत ही छोटा सा फैक्ट है आयोनिक प्रोडक्ट। अभी आयोनिक प्रोडक्ट क्या, अभी थोड़ी देर पहले तो हम सीख रहे थे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो भाई क्या मतलब है इनका, क्या डिफरेंस क्या है और क्या कुछ रिलेशन है इनके बीच। सो देखो ये मान लेते हैं ये आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है और यहाँ पे इसको मान लेते हैं ये आपका आयनिक प्रोडक्ट है, आईपी से इसको डिजिग्नेट कर लेते हैं, ठीक है। क्या मतलब है इसका, देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपने इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट पढ़ा बच्चों, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट जो कि सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम पोजिशन पे फाइंड आउट किया जा सकता है, जब आपका जो आपकी जो रिएक्शन है, जो आपका प्रोसेस है, जब उसने इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया हो, तब जो हम कांस्टेंट निकालते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। और इसके अपोजिट आपने एक चीज सीखी थी रिएक्शन कोशेंट, शायद आपको याद हो रिएक्शन कोशेंट, ठीक है। तो रिएक्शन कोशेंट में क्या था आपको याद होगा, जैसे QC से रिप्रेजेंट किया था, तो ये एक ऐसा पैरामीटर होता है जो बिल्कुल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसे ही निकाला करते थे, लेकिन सिर्फ मतलब ये जो है किसी भी स्टेज पे निकाला जा सकता है, बिफोर द इक्विलिब्रियम, आफ्टर द इक्विलिब्रियम और एट द इक्विलिब्रियम, है ना। लेकिन जबकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम पे निकालते थे। अब आप समझ गए होंगे मैंने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के ऊपर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा और मैंने आयनिक प्रोडक्ट के ऊपर रिएक्शन कोशेंट लिखा, तो बहुत ज्यादा समझदार हो आप लोग और आप ये चीज समझ गए होगे, ठीक है, समझ गए बच्चों? चलो ठीक है, तो अगर ये बात समझ गए तो ये रही कि आयनिक प्रोडक्ट, सपोज मेरी कोई रिएक्शन मतलब कोई रिएक्शन है या कोई मेरा सब्सटेंस है ए बी, ठीक है, और इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने सिस्टम में डाला, मतलब सॉल्युबल करने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसको मैंने जैसे ही डिसॉल्व किया और ये टूट गया आपका ए प्लस और बी माइनस, ठीक है। अब यहां पे मैं इक्विलिब्रियम साइन दिखा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मेरे सिस्टम ने इक्विलिब्रियम अचीव नहीं किया, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट बराबर हुई नहीं, अभी चल तो दोनों तरफ रिएक्शन रही है और अगर वो बराबर नहीं है तो वो इक्विलिब्रियम नहीं है। आप सबको पता होगा जब तक कि दोनों साइड की रिएक्शन की रेट बराबर नहीं होती तब तक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता। तो ऐसे केस में अगर हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं और हम सॉल्युबिलिटी चेक कर रहे हैं और हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल रहे हैं, ध्यान देना सॉल्युबिलिटी का टाइटल है हमारा अभी भी, ठीक। तो ये रहेगा हमारा कुछ इस तरीके से, प्योर सॉलिड की कंसंट्रेशन को जो है कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है। सो ये जो के इस टाइम पे होगा, के जो होगा वो मैं इसको आईपी लिखूंगा। भाई क्यों मैंने आईपी लिखा, क्यों नहीं मैंने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखा, तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि जो आयनिक प्रोडक्ट है जो बिल्कुल उसी तरीके से निकालते हैं जैसे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालते हैं, बट इट कैन बी कैलकुलेटेड या ऑब्जर्व एट एनी स्टेज, मतलब किसी भी पर्टिकुलर स्टेज में कैलकुलेट किया जा सकता है, बट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैन बी कैलकुलेट ओनली एट इक्विलिब्रियम, जब आपकी रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव कर चुकी हो, ठीक है। निकालने का तरीका दोनों का सेम है, क्लियर बच्चों? अब जैसे वहां पे मैं इसी रिएक्शन के लिए केस पे लिखूंगा तो लिखने का तरीका तो बिल्कुल सेम आएगा, दोनों में कोई फर्क नहीं रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे दो मतलब तीन केसेस हैं, उन तीन केसेस को जरा ध्यान से समझिएगा। केस वन, जब आपका ध्यान दीजिएगा आयनिक प्रोडक्ट कम है उसी कंपाउंड का, कंपाउंड सेम है, उसी कंपाउंड का आयनिक प्रोडक्ट जो है उसकी वैल्यू कम है जो कि किसी भी स्टेज पे कैलकुलेट किया गया है, बिफोर द इक्विलिब्रियम और आफ्टर द इक्विलिब्रियम, और जबकि जो के एस पी है उसी सब्सटेंस का, सेम सब्सटेंस ए बी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इसमें ए बी की बात चल रही है दोनों में, ठीक। तो उसका के एस पी ज्यादा है, आयनिक प्रोडक्ट से के एस पी ज्यादा, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि जो सोल्यूशन है ना बच्चे, जो उस सब्सटेंस का सोल्यूशन है, सोल्यूशन इज अनसेचुरेटेड, सोल्यूशन कैसा, अनसेचुरेटेड, कैसा बच्चों, अनसेचुरेटेड, इसका मतलब है मोर सॉल्ट कैन बी या मोर सब्सटेंस कैन बी एडेड टू सोल्यूशन,
इस बात को बहुत ध्यान से सीखें, इस पे सवाल बहुत सीधे तरीके से आता है। वो आपको आयनिक प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देंगे और आपसे कहेंगे कि भाई बताओ कि इस सॉल्यूशन का नेचर कैसा, तो आप उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालो और कंपेयर करो। अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा है आया आयनिक के कंपैरिजन में, मतलब आपका सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड, उसमें और भी अभी सॉल्ट डिसॉल्व किया जा सकता है। केस टू की अगर हम बात करें तो आप समझ चुके होंगे कि मान लीजिए कि अगर उन दोनों, मतलब उस सब्सटेंस का आयनिक प्रोडक्ट और उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दोनों की वैल्यू बराबर आई है, ठीक है, दोनों की वैल्यू बराबर आई है, मतलब सिस्टम जो है वो एट इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, या नॉर्मली मैं कह दूं तो उसे हम लिखेंगे कि वो सैचुरेटेड है। सिस्टम यानी कि सॉल्यूशन कैसा है, सैचुरेटेड है, ठीक है, उस दी हुई कंडीशन पे और सॉल्ट उसमें मतलब डिजॉल्व नहीं किया जा सकता है, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व। अच्छा, उस गिवन टेम्परेचर की बात चल रही है। अच्छा, केस थ्री की अगर हम बात करें लास्ट, तो केस थ्री में अगर देखें तो आप समझ चुके होंगे ये वाला केस। तो जब भी कभी उस सब्सटेंस का दी हुई टेम्परेचर पे आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा हो, आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा हो केएसपी से, तो वो सिस्टम जो है उसमें से घुला हुआ पार्ट जो है ना वो धीरे धीरे प्रेसिपिटेट बनने लगेगा, ठीक है, जो घुला हुआ पार्ट है वो प्रेसिपिटेशन यानी कि सॉलिडिफिकेशन चालू कर देगा। मतलब सिस्टम कैसा है, सुपर सैचुरेटेड है, सुपर सैचुरेटेड है, कैसा है, सुपर सैचुरेटेड, या मैं सीधे ही लिखूं तो प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन समझते हैं, प्रेसिपिटेशन अकर, प्रेसिपिटेशन अकर। तो ये बहुत ही अच्छा केस है, ध्यान रखेंगे कि किस केस में प्रेसिपिटेशन होता है, किस केस में सैचुरेशन है, या किस केस में अभी अनसैचुरेशन रहेगा। तो सीधे ये तीन केसेस आपको ध्यान रखने हैं। वैल्यू निकालने का तरीका सेम होता है, ये किसी भी स्टेज पे कैलकुलेट किया जाता है, और सिर्फ जब आपके सिस्टम ने इक्विलिब्रियम, जब उसका मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व हो गया, मींस इक्विलिब्रियम सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए ही कैलकुलेट करते हैं, जब सिस्टम ने इक्विलिब्रियम लिया हो, ठीक है। तो होप कि ये पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग जो है एक अलग से पार्ट लेंगे, जिसमें हम प्रैक्टिस के ही सिर्फ क्वेश्चंस डालेंगे। होप कि आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से सीखा होगा। थैंक यू सो मच।